आज हम बैटरी चेक करने वाले हैं। ये बैटरी चार्जिंग के लिए आया था, बैकअप नहीं मिल रहा था, तो बैटरी चार्ज हो गई है और ग्रेविटी नाप रहे हैं कि कितना ग्रेविटी है। ये ग्रेविटी है पहला सेल का 1250, दूसरा सेल का नाप ले रहे हैं, ये भी है 1250 ग्रेविटी, तीसरा सेल ये 1250 ग्रेविटी, ये चौथा सेल है 1250 ग्रेविटी, ये भी है। पांचवा सेल का भी 1250 ग्रेविटी है। ये छठवा सेल है 1250 ग्रेविटी, ये भी है। यानी छह सेल के यानी बैटरी फुल चार्ज है हमारी। चेक करने वाले हैं बैटरी होल्ड, ये हमने लगा दिया प्लस, ये लगा दिया माइनस, ये है 12.50, यानी कि फुल बैटरी हमारी चार्ज है। अब हम इसको बैकअप देकर देख रहे हैं कि कितना बैकअप दे रहा है। अब हम बैकअप देकर देख रहे हैं कि कितना धीरे चल रहा है। 400 वाट से बैकअप दिया जाता है। ये हम ये ऑन कर रहे हैं, ये अब एक बार हम फिर देख रहे हैं कि कितना वोल्ट बता रहा है। ये 12.4 वोल्ट है, यानी फुल बैटरी चार्ज है। हम लोड देके देखते हैं कि कितना धीरे ये चल रहा है। ये तो तुरंत ही लो बैटरी बता दिया, लोड कम करके देख रहे हैं। ये हम ऑन कर रहे हैं इन्वर्टर, ये 200 वाट लोड दे रहे हैं। फिर हम यहाँ लगा के देख रहे हैं कि बैटरी हमारी तुरंत ही बैठ जा रहा है, क्यों ऐसा? ये बैटरी खराब है। ऑन आप करिए एक बार से, यहाँ से फिर से ये बता रहा 12.5 वोल्ट, ये एक बैग ही है 10 वोल्ट चला जा रहा है। अब हम चेक करेंगे एक एक सेल। ये एक एक सेल चेक कर रहे हैं, ये 1.5 वोल्ट, ये सेल सही है। ये दूसरा सेल हम देख रहे हैं, दूसरा सेल ये सेल सही है। फिर हम तीसरा सेल चेक कर रहे हैं, ये भी सही है। हम चौथा सेल चेक कर रहे हैं, ये भी सही है। ये पांचवा सेल चेक कर रहे हैं, ये भी सही है। ये हमारा छठवा सेल है, ये छठवा सेल है, ये खराब है, एक सेल निगेटिव वाला। एक एक सेल चेक करें, इसे चेक करा जाता है। बैटरी ये खराब है।